लव्य व्यवस्था अध्याय 12। लव्य व्यवस्था अध्याय 12। प्रस्तुता के विषय की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उसके लड़का हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह कृतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको कृतिमती किसी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे, और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा व पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का व लड़की उत्पन्न हो उसके लिए यही व्यवस्था है, और यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी न हो तो 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी।